हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ब्लॉग के सेकंड पार्ट या वीडियो के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो ये पार्ट है ये आ रहा है जब आप पिछली वीडियो पे, यानी कि जो ब्लॉग का पार्ट वन है उस पर आप 100 लाइक्स करवा देंगे। तो चलिए, अभी हम मतलब कार में कुछ काम कराने जा रहे हैं, तो रास्ते में आपको मैं सब कुछ बताऊँगा और वहाँ चल के भी दिखाता हूँ कि क्या क्या काम होता है, कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो गाइस, अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और ये जाने लग रहे हैं हम। तो अब बता देता हूँ कि हमने मतलब एक्चुअली क्या बात क्या है। तो ये जो है एल्ट्रॉस का बेस वेरिएंट है जिसमें कंपनी फिल्टर के नाम पे कुछ भी नहीं आता, ना ही कोई म्यूज़िक सिस्टम है, ना ही कुछ है। और अब इसमें सारा ही आफ्टर मार्केट लगने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और बताना कैसा रहा, ठीक है। तो फाइनली गाइस, हम पहुँच चुके हैं, देख पा रहे होंगे पीछे ये, अब हम आया है शुभम कार घर। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या सामान लगवाना है, क्या क्या नहीं। कैसे हो भैया? उतना ही खर्चा कम हो रहा जी, आप बताएं। तो इनसे मिलिए, ये पुनीत भैया जो दुकान के ओनर है। तो भैया, मैंने आपको जो सामान भेजा था उस अकॉर्डिंग सामान दिखा दो। ठीक है, तो भैया इनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है एक बार वो भी बता दो। ये 1 GB में है, ये 2 GB में है। तो जो 2 GB है वो क्या इनकी रैम वगैरह है? 2 GB रैम होती है और 16 GB इनबिल्ट मेमोरी होती है। ठीक है भैया, देखिए हाइपरसोनिक है। ठीक है, तो भैया बाकी इनमें कोई फ़र्क वगैरह है ऐसा कुछ? मेनली जो DSP होता है उसका फ़र्क है और अपना इसका रैम का फ़र्क है इसमें। अच्छा, मेमोरी सबकी सेम है 16 GB। ठीक है भैया, तो इसका क्या स्पेसिफिकेशन रहेगी? ये भी 216 है। 216 में ही है, चलो ठीक है। और इसमें ब्लॉक पंखा चाहेंगे तो ब्लॉक पंखा भी मिल जाएगा। तो भैया ये बाकी सारे हो गए तो चाइनीज ही? वैसे ये ब्रांड्स हैं। ठीक है, जितना भी कंपनी में शोरूम्स पे जा रहे हैं वो मेगा ऑडियो का। ठीक है, ठीक है भैया, तो चलो मैं अभी जल्दी जल्दी सेलेक्ट करता हूँ, फिर दिखाते हैं काम सारा। तो अभी जो है गाड़ी में काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले जो है सीट कवर लगाए जा रहे हैं, तो उसके लिए जो अभी है सीट खोली जाएंगी और कवर ओपन किए जाएंगे। तो ये पता नहीं पीछे यहाँ पे सुभाष चौक पे, ये पीछे देख पा रहे होंगे, ये पता नहीं शायद पुलिस के दमन है, आज कुछ था तो अभी ये यहाँ पे नारेबाजी वगैरह भी चल रही थी। बाकी देखते हैं, अगर मौका मिलता तो इनमें से किसी से बात करते और पता करते ही क्या हिसाब था। तो यहाँ अपनी गाड़ी में काम भी शुरू हो चुका है सारा, मतलब जो भी था सामान डिसाइड हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे ऊपर छत पे सारे पैनल खुल के खड़े हुए हैं। अभी जो है मतलब मैंने सेट लगवाया पूरा जो स्पीकर्स का था, उसमें जो है एक सेट है वो कॉम्पोनेंट्स वाले स्पीकर हैं और एक दूसरे वाले जो हैं वो है कोएक्सियल। तो कोएक्सियल और कॉम्पोनेंट्स में जो फ़र्क नहीं पता, मेरे को भी ज़्यादा नहीं पता, तो मोटा मोटा जो अगर मैं बताऊँ बेसिक फ़र्क क्या है तो उसमें है कि एक जो कॉम्पोनेंट्स वाले हैं उसमें आपको साथ में ट्विटर और एम्प का सेट मिलेगा, और जो कोएक्सियल है वो नॉर्मल स्पीकर जिन्हें बोलते हैं ना वो वही है। तो बाकी जब मतलब पूरा काम हो जाएगा ना तो मैं आपको एक बार पूरी उनकी वॉइस क्वालिटी और मतलब एक बार वॉल्यूम वगैरह भी सब कुछ सुनाऊंगा कोई गाना वाना बजा के। तो बाकी देखो ये अभी काम चल ही रहा है। तो यहाँ पे ये काम चल रहा है, देख पा रहे होंगे ये पूरी गेट की ये सारी पैकिंग उतर रखी है, यहाँ से ये ऊपर रखी है और वहाँ पे वो अंदर, ये देखिए सीट का काम चल रहा है और ये जो हमारे वो अंदर वहाँ देख पा रहे होंगे वो डब्बा रखा हुआ है ना, उसमें वो हमारे कॉम्पोनेंट स्पीकर हैं। वो जो वहाँ पे मैंने दिखाया था ना वो अभी कॉम्पोनेंट स्पीकर हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था स्पीकर आएंगे और ट्विटर्स वगैरह आएंगे और जो एम्प आएगा।
तो बाकी अभी एक बार पूरा काम हो जाए तो फिर आपको अच्छे से दिखाता हूँ, एक बार पूरा टूर दूँगा कि कैसा था सारा सामान, चला के दिखाऊँगा आपको सब कुछ, तो बने रहे वीडियो में। तो अभी जो है वो टाइम हो रहा है 4:11 और अभी भी काम चल रहा है। ये देखो यहाँ पे ये स्पीकर दिख रहे हैं, लग चुके हैं स्पीकर, लग चुका है मेनली स्पीकर का काम तो हो ही चुका है। वहाँ पीछे सीट कवर का काम चल रहा है, उधर वो दिख रही होंगी वो सीट्स खुली हुई हैं, वो रहा। और बाकी अभी ये यहाँ पे अभी पीछे वाली सीट्स का जो ये पीछे वाला ये होता है ना सपोर्ट वाला, ये भी रह रहा है और नीचे वाला चल रहा है। यार बहुत सारा काम रह रहा है और मैं थक चुका हूँ लिटरली भाई, ऐसे ना मतलब लग रहा है यार कि क्या हो गया भाई, बहुत मतलब ब्लैकआउट होने को हो रहा हूँ मैं, मेरी आंखों से लग रहा होगा कि हाँ बस ख़त्म हो चुका हूँ मैं, पर ठीक है चल रहा है, कोई नहीं काम करवाते फिर अपना घर निकलेंगे, सोएंगे यार जाके घर पे। तो अभी जो है हमारा जो साउंड सिस्टम था वो पूरा लग चुका है, अंदर स्टीरियो वगैरह सबको लग चुका है। जैसे स्क्रीन दिखाऊँ तो ये स्क्रीन यहाँ पर लग चुकी है पूरी, और अभी ये डोर पैनल्स में देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर स्पीकर वगैरह और ट्यूटर का जो सेट था वो लग चुका है। तो और अभी पीछे अभी ना पार्किंग जो काम होता है उसका फिटिंग चल रही है पीछे, इसमें एक कटिंग होके लगेगा, तो अभी देखते हैं कितना टाइम और लगता है। जब भी अगर टाइम बताऊँ आपको तो अभी हो रहा है 5:20, मतलब हो चुका है यार, मैं ना फ्रस्ट्रेटेड सा हो रखा हूँ और बोर भी हो रहा हूँ, क्योंकि पापा को कहीं जाना था तो पापा चले गए और अब मैं अब कल बैठा बैठा यहाँ पे बोर हो रहा था। चलो ठीक है कोई नहीं, देखते हैं बोर मतलब इतनी देर इंतज़ार कर लिया तो थोड़ी देर और कर लेते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 6:44 और अभी भी कार का काम चल रहा है यार, थक गया मैं सीरियसली थक गया, अभी बहुत कुछ रहेगा। मतलब पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, पिछली बार तो मैं मतलब जब दीदी ने और जीजू ने कार ली थी तो भी काम यहीं से कराया था, तो उस टाइम हम जब घर गए थे ना तो लिटरली वो 10:30 के आसपास टाइम हो रहा था, और आज भी मेरे को वही हिसाब से लग रहा है क्योंकि 7:45 हो चुकी है और अभी भी लग रहा है मुझे आराम से घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा लग जाएगा, क्योंकि अभी कई सारी चीज़ें इसमें रह रही हैं। तो बाकी देखते हैं अभी अभी इसमें और भी काम रह रहा है तो होता है मैं दिखाता हूँ आपको सारे एक ही बार में दिखाता हूँ कि क्या क्या हुआ है। और बाकी पापा भी आ चुके थे तो हम बैठ के थोड़ा नॉर्मली बात कर रहे थे कि देख रहे हैं कुछ और भी लगवाना है तो वो भी लगवाएंगे, तो चलो ठीक है मैं बताता हूँ ठीक है आपको। अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे अपनी वाली कार पे लग गए हैं, ये यहाँ पे रेन वाइज़र भी लगवा दिए, मतलब इन्हें डोर वाइज़र बोलते हैं, ये तो मैं रेन वाइज़र बोलता हूँ। तो यहाँ जितने हैं सारे अभी सारे के सारे यहाँ पे लगे हुए हैं काम कर रहे हैं, तो होप उम्मीद है वो मतलब उम्मीद है होप वही बात है ठीक है, मत करना कि होप और उम्मीद मैं अलग अलग कर रहा हूँ, बट ठीक है होप उम्मीद वही बात है। तो अब उम्मीद है कि जल्दी काम हो जाएगा, और यार वही जाए थक गया यार मैं सीरियसली थक गया, एक तो आजकल नींद भी पूरी नहीं हो रही, कई दिन से ऐसे बिजी चल रहा हूँ तो नींद पूरी हो नहीं रही, तो हो जाए यार जल्दी घर जाकर आराम करेंगे सोएंगे थोड़ा। तो फाइनली गाइज अपना काम हो चुका है यहाँ पे डन, और टाइम बताऊँ तो हो रहा है 9:09 ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे को लग रहा है वही पिछली बार वाला हिसाब होगा, और 9:00 है। तो बाकी यार अभी तो मैं थक गया हूँ, देखते हैं कल सुबह शायद दिखाता हूँ क्या क्या काम हुआ है। अभी मोटा मोटा अगर दिखाऊँ तो ये देखो ये अपने यहाँ पे डोर गार्ड्स वगैरह नॉर्मल जो लगते हैं वो है ठीक है, यहाँ पे अपना लेदर फिनिश में स्टिचिंग लगवा दी है ये, और नॉर्मल रुको दिखाता हूँ आपको, ये जो है यहाँ पे एटमॉस्फेयर लाइट भी लगवा दी है, मतलब ठीक है यार पूरा अच्छा अच्छा सिस्टम बना दिया पूरा यहाँ पे, ये स्क्रीन लगवा दी एंड्रॉयड स्क्रीन ठीक है, और नॉर्मल से ही है यहाँ पे सेंटर लॉकिंग का काम करा तो उसके यहाँ रिमोट्स दिए हैं, ये रे अभी आवाज़ नहीं कर रही पता नहीं क्यों, वो ठीक है मेरी गलती थी, वो पता है क्या था एक्चुअली ना बात क्या हुई, अरे दोनों में अटक गया एक सेकेंड, जो की है वो मैंने ऑन पे छोड़ दी, यहाँ पे ये जो MID है वो ऑन हो चुका था तो मैं प्रेस कर रहा हूँ तो वहाँ पे वो चल ही नहीं रहा था ठीक है। बाकी अगर साउंड सिस्टम सुनाऊँ आपको तो एक सेकेंड एक मिनट, तो बस आप सभी ने सुन लिया होगा कि म्यूज़िक सिस्टम कैसा लगा है। बाय द वे मैंने इसमें JBL के लगवाए थे, शायद मैंने पहले बता दिया, नहीं बताया तो दोबारा बता दिया ठीक है। यहाँ पे हमने 70 फ्लोर मैट्स लगवा दिए ये नीचे, इनका फ़ायदा यार यही है कि मतलब कभी मर्जी धो लो कुछ कर लो मिट्टी विट्टी झाड़ लो कैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं अगर आप कहोगे तो मैं इसका एक डिटेल्ड आपको पूरा वॉक अराउंड दे दूँगा, तो
बस आज के लिए इतना ही। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।